हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। और हाँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है मेरा। अभी तक मुझे फ्रेश होने का टाइम ही नहीं मिला था, अभी मैं फ्रेश हुई हूँ और सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। एक्चुअली ना, माही की कल से तबीयत खराब है, इसी वजह से कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का। तो उसके फेस की तरफ देख रही हूँ, तो इसने अभी टैबलेट ली है। कल उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, और अभी देखें उसको टैबलेट वगैरह दिए है, ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया। सब ने ब्रेकफास्ट किया, सिर्फ मेरा ही रह गया। एक्चुअली मैं फ्रेश भी नहीं हुई थी, तो इसी वजह से मैं अभी फ्रेश होने के लिए गई थी और फ्रेश होके आई हूँ। और अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाया है आज उपमा, तो बस मेरा ही बाकी है, तो मैं ले लेती हूँ एक्चुअली। और कितनी देर से मुझे बोल रहे थे कि ले लो हमारे साथ ही, बट मेरा हो ही नहीं रहा था क्योंकि इनको देना पड़ रहा था, माही को टैबलेट, फिर सारी चीजें। मैंने ले लिया है यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि एक्चुअली ना अद्विक की भी तबीयत खराब है और माही की भी, तो दोनों ऐसे ही है, तो एक दूसरे का हो ही जाता है। बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो एक दूसरे को, अगर मुझे फीवर चढ़ गया तो अद्विक को हो जाता है, अगर अद्विक को फीवर चढ़ गया तो मुझे फीवर चढ़ता है, और इन दोनों को अगर हो गया तो मतलब घर में किसी ना किसी को सिर्फ ये अकेले अलग रहता है। ये तो हम तीनों को भी, जब भी अभी इन दोनों का हो जाने के बाद, पता नहीं मुझे होगा नहीं तो, मेरा तो हो गया है इसी वजह से, मेरी वजह से शायद इनको हो रहा होगा, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो और अभी आज माही का ब्लड टेस्ट देने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कुछ हो ना हो बट ब्लड टेस्ट कर लेंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि अद्विक का तो कर लिया है, थोड़ा सा शांति मिल गई है दिल को कि नहीं अभी अद्विक को तो कुछ भी नहीं है, अद्विक के ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकला है, सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है उसका, तो वो तो कवर कर लेंगे थोड़ा। और इसका माही का अभी ब्लड टेस्ट देने के लिए जाएंगे आज, माही का करके आ जाए, माही के इसमें माही की रिपोर्ट एक बार मिल जाए तो तसल्ली मिल जाएगी दिल को। चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। अभी मैंने झाड़ू मारा नहीं तो मेरी अभी तक क्लीनिंग भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, बट ना बच्चों की तरफ देख के, आज माही की तबीयत खराब है बट माही को छुट्टी है आज, तो वैसे भी हम लोग भेजने वाले नहीं थे उसे स्कूल, बट आज वैसे भी उसकी छुट्टी है। कौन सा सैटरडे? आज सेकेंड सैटरडे है, इसी वजह से सेकेंड सैटरडे है माही आज। हाँ सेकेंड, मुझे तो डेट याद नहीं रहती है यार इसी वजह से। और माही का फेस देखिए कैसा हो गया है, इधर आओ ना, आओ आओ आओ, कुछ नहीं होता, ये देखो माही कैसी हो गई है, माही बिल्कुल सूख गई है। तो माही का फेस भी खराब हो गया है, सुबह से सुबह ऐसे ही किया है माही को, या अद्विक को, आपका वो ये वाला जैकेट अद्विक को पहना दिया था, पूरा फुल हो गया था अद्विक को नीचे तक, और फिर ऐसे कैप करके उसने, हाँ उसके पापा ने फोटो क्लिक किया है उसके, और वो कर रहा था ऐसे ऐसे करो, ऐसे पोज दो, मतलब ऐसे पोज देता हूँ, ऐसे खींचो पापा, ऐसे करता हूँ, ऐसे खींचो, ऐसे कर रहा था बर्थडे के उसके। दिन भी पता है हम रेस्टोरेंट में गए थे ना, मम्मा वहां पे खाना होने के बाद में मम्मा को बोला, मम्मा ऐसे करो ऐसे हाँ करो ऐसे करो, ये वाले पोज दो, ये वाली पोज दो, अभी पोज देना उससे बहुत अच्छे से आ गया है। मुझे बोल रहा था खाना होने के बाद, इतनी तबीयत खराब थी उसकी, फिर भी मुझे बोल रहा था कि, मैंने बोला अजी आओ हम सेल्फी लेते हैं, तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा ऐसे करो, फिर मैं भी ऐसे कर रही थी, मम्मा फिर ऐसे करो, और फिर मैं भी ऐसे कर रही थी, हाँ फिर पाउडो मम्मा। हाँ उसको सारी पोजेज आती है, मतलब उससे सीखना पड़ता है हमें पोज देना, तो वो पोज देने के लिए बोलता है, तब मैं ऐसे पोज देती हूँ उसके साथ, मजा आता है उसका फोटो खींचने के टाइम। तो चलिए अभी वो तो उसके पापा के साथ गाड़ी में है, गाड़ी का काम ही चल रहा है हमारे यहाँ पे, मतलब कितने दिनों से इनके पार्सल आ ही रहे हैं, मुझे बोलते हैं कि मेरे पार्सल ज्यादा आते हैं, मेरे तो आती ही है डेली, बट इनके बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, हाँ सिर्फ गाड़ी के लिए, तो गाड़ी का काम चल रहा है, तो इसी वजह से वो गाड़ी में है अंदर और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले, इन दोनों ने तो कर लिया है, टैबलेट भी ले लिए है माही ने, आज माही का ब्लड टेस्ट देने के लिए जाएंगे। नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं रोऊंगी, रोंगी क्या बच्ची हो आप, हाँ सब लोग बोलते हैं माई कितनी समझदार है और आप बच्चों जैसे करती हो। तो मुझे नहीं जाना, डर लगता। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद,
गाइज अभी हम लोग आप लोगों के कमेंट ही पढ़ रहे थे, मतलब माही को मैं दिखा रही थी कि आपने इतने सारे कमेंट किए हैं, मतलब इतने सारे विश किए हैं उससे, तो वो वही पढ़ रही थी और अंदर से खुश भी हो रही थी, है ना माही? हाँ तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और वो अपने मुँह से ही थैंक यू बोलेगी क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में आपको खुद थैंक यू बोला, बट वो एडिट कर रही थी तब बीमार थी इसी वजह से, तो वो सो रही थी, तो अभी आज वो खुद थैंक यू बोलेगी आपको, बोलो। थैंक यू सो मच मम्मा। और मैं भी आपकी कमेंट्स पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले। थैंक तो थैंक यू बोलो सबको, और यू। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, और आपका बर्थडे जो है वो स्पेशल बनाने के लिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे थैंक यू बोलूँ, बट आप समझ जाइए उसकी फीलिंग। तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, आप भी प्रे करिए माही जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। एक्चुअली आजकल ना मेरे काम ही नहीं हो रहा, 2-3 दिन से अद्विक की तबीयत खराब है और अभी माही की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अद्विक की अगर तबीयत खराब होती है तो मेरे पास पास ही रहता है, मतलब इतना चिड़चिड़ा हो जाता है और मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता है इसी वजह से, मतलब मैं ना मतलब मेरे काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ किचन क्लीनिंग हो रही है, जो एक्स्ट्रा काम है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग भी अगर वो सोया हुआ रहता है ना तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरी क्लीनिंग भी नहीं होती है, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मेरा घर जो है थोड़ा मुझे मेसी लग रहा है। एक्चुअली कल से अब मेड रखी है, मतलब मेड मीन्स सिर्फ बर्तन क्लीन करने के लिए। एक्चुअली आपको पता ही है कि पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर अद्विक की तबीयत खराब हो गई थी, फिर अभी माही की तबीयत खराब हुई थी, और जो मेरे काम है ना वो वैसे के वैसे ही रह रहे थे, मतलब क्योंकि अद्विक की तबीयत खराब होती है तो वो मेरे पास पास ही रहता है, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता है इसी वजह से, वो मतलब बाकी के काम तो मैं कर ले रही थी बट बर्तन वगैरह है तो वो ना बहुत सारे जमा हुए थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो एक हेल्पर ही रख लेते हैं, मतलब कुछ हेल्प हो जाए मेरी, तो इसी वजह से मैंने ना उसके लिए बर्तन क्लीन करने के लिए सिर्फ वो रखी है मेड रखी है, तो वो अभी कल से आ रही है मेरे घर पे, तो आज कल भी आके गई और कल फर्स्ट डे था उनका, आज आई है अभी। तो हाँ किसी ने मुझे कमेंट किया था एक्चुअली कि मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हो हमें, अभी कमेंट है एक्चुअली, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था उनका, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगी। एक्चुअली ना कमेंट ऐसी थी कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, आजकल मेड के बगैर कोई काम नहीं होता है और आप बिना मेड के इतना सारा काम करते हो, तो मैंने एक्चुअली आपसे कभी नहीं बोला है कि मैंने मेड नहीं रखी थी, या मेरे घर में कभी मेड ही नहीं है, मैं विदाउट मेड काम करती हूँ, ये मैंने आपसे कभी नहीं बोला था, मैंने बहुत बार आपसे शेयर किया है कि मेरे घर में सारे कामों के लिए मतलब पहले मेड रखी थी मैंने, मैं आलसी हो गई थी बिल्कुल और मेरा वेट भी पुट ऑन हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने वो मेड निकाल दी थी, तो खुद से काम करना स्टार्ट कर दिया था, और जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से मैं खुद ही काम कर रही हूँ, तो जब से मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैं खुद ही काम कर रही हूँ, तब से मेरे घर पे एक भी मेड नहीं थी, तो अभी मैंने बर्तन क्लीन करने के लिए मेड रखी है, तो उसमें क्या गलत किया यार? और हाँ मैंने मेड रखी है तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर मैं मेड रख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मेड रख नहीं सकती या मेड कोई मुझे बोलता है कि मेड रखो मत, एक्चुअली इनका भी कहना नहीं है मुझे, इनका तो ये कहना है कि आपको अगर हेल्प मिलती है तो उनसे ले लो मेड से, बट मेरा ये कहना है कि अगर मैं यहाँ पर मेहनत मतलब घर में काम नहीं कर रही हूँ और जिम में जाके मेहनत कर रही हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसी वजह से मैंने मेड जो है वो निकाल दी थी, तो अभी मेरे घर पे जब आपने देखे मेरे क्लीनिंग के वीडियोस तो उस टाइम मेरे घर में एक भी मेड नहीं थी, सारे मैं ही काम कर रही थी, मैंने उस टाइम बोला भी था आपको उस वीडियो में एक क्लीनिंग की वीडियो में कि अगर मुझे लगता है कि मेरा यूट्यूब का काम बढ़ रहा है, घर के काम मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं, मतलब दोनों का हैंडल नहीं हो रहा है तो मैं कोई हेल्पर रख लूँगी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रखूँगी और आपको नहीं बताऊँगी, उस बंदी ने ना थोड़ा सा गलत कमेंट किया था तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था उस टाइम, बट कोई बात नहीं बुरा लगने का वो नहीं है, बट मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मैंने पहले भी आपसे सच ही बोला है और अभी भी मैं आपसे सच ही बोल रही हूँ, बस एक काम के लिए रखे हैं और वो भी मुझे जब तक लगता है कि मुझे मेड की हेल्प चाहिए तब तक रखूँगी, जब नहीं लगेगा और तब तक मतलब तब निकाल दूंगी, या जब अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं कंटिन्यू करूँगी, उसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि मुझे रखनी चाहिए मेड, और कोई ये भी फोर्स नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं रखनी चाहिए, तो बस यही कहना चाहती थी। हे गाइस रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं,
एक मतलब रिलेटिव के घर पे, मतलब वास्तु शांति का प्रोग्राम है, वहां पर जा रहे हैं। और अद्विक देखिए, अद्विक किस तरह से रेडी हुआ है। ओ कर दिए हेयर खराब? हाँ भी बोल रहा है। नहीं कर दी, नहीं खराब। नहीं अच्छे से करो। और मेरा लुक कुछ इस तरह से है, मतलब मैंने आज ये वाला प्लाजो एंड कुर्ता सेट पहना है। और माही तो आज, माही का तो मूड पूरा यही है, इधर आओ। मतलब माही की तबीयत खराब है आज, तो माही देखिए। चलो कोई बात नहीं, होता है बेटा। चलो चलो उठो। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट। एक्चुअली ना इनका मतलब इनकी ड्यूटी है, और ये वहाँ पर ड्यूटी पे गया तो उधर से ही आ जाएंगे। तो हम लोगों को श्रीकांत लेके जा रहा है, तो हम लोग श्रीकांत के साथ जा रहे हैं। और श्रीकांत भी अभी ड्यूटी से आया थोड़ी देर पहले, तो वो भी चेंज करने गया है। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे, कितनी देर से वेट कर रहे थे, पहले इनका वेट कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि मैं उधर से ही आ जाऊँगा, तो फिर श्रीकांत का वेट कर रहे थे। श्रीकांत अभी आया तो श्रीकांत करने गया है चेंज। गिर जाओगे अद्विक। शूज घालायचा आहे? हो तो शू घालायचा आहे तुला। चला तुझ्या सारखा ब्लॅक। हां बाहेर का लॉक कर। चलो नाही ना, तू मी छान नाही दिसत। मग कोणता छान दिसते? हा बर, थँक्यू। चला चलो एक्चुअली ना गाइज, यहाँ पर हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, मतलब एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं लिया था, तो इस वजह से पहले गिफ्ट लेने गए, फिर उसके बाद फिर मतलब समझ सकते हो अब बहुत लेट हो गया था इनकी वजह से। और फिर ना एड्रेस ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है वो थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। और ना मतलब जहाँ पर उन्होंने एड्रेस दिया था, तो वो दो सेम स्कूल है, दो मतलब वही नाम की दो सेम स्कूल है, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हम दूसरे स्कूल के पास चले गए थे, तो थोड़ा सा हम लोग घूम रहे थे, तो इसी वजह से लेट हो गए थे। एक्चुअली उन्होंने अगले दिन भी प्रोग्राम रखा था, मतलब डीजे वगैरह रखा था, और थोड़ा सा डांस वांस के लिए, तो उस दिन हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि माही को हॉस्पिटल लेके गए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो नहीं जा पाए, तो थोड़ा सा गुस्से में भी था। ये जो है वो मेरा रिलेटिव है, और उनके यहाँ पे अभी ये जो मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगी उनका, मतलब एक्चुअली ना ये दो फ्लैट है, ये उसकी बेडरूम है जो अभी दिखा रहा है, तो वो पहले उसकी बेडरूम दिखा रहा था, तो ये वाला मतलब आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है उन्होंने, वाटर वगैरह देख सकते हो। अभी अभी शिफ्ट हुआ है ये, तो कुछ भी सामान जो है सेट नहीं हुआ है, मैं आपको यही दिखा रही हूँ। तो अभी वो शिफ्ट हुआ है, और फिर गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, तो उनके घर पे इसी वजह से वो बता रहा था कि बिल्कुल कोई भी सामान सेट नहीं हुआ है, और टीवी वगैरह सारे रूम की लाके रखी है, बट टीवी भी लगाना नहीं हुआ है। आप समझ सकते हो गेस्ट वगैरह आते हैं तो वैसे ही होता है। और ये है गेस्ट रूम, मतलब इन्होंने क्या किया है कि दो फ्लैट लिए थे एक्चुअली, दो फ्लैट का बीच से वॉल तोड़ के मतलब तुड़वा के एक फ्लैट बनाया है, और दोनों भाई के लिए तो वैसे बनवाया है उन्होंने, और इस तरह से ये वाली गेस्ट रूम रखी है। मतलब गेस्ट रूम यानी चिल्ड्रन रूम ही आप बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने चिल्ड्रन टेबल वगैरह, आयरन टेबल, ये वाला आयरन टेबल है, चिल्ड्रन मतलब वो स्टडी टेबल है, स्टडी के बुक्स रखने के लिए वो शेल्फ बनाई है, और ये वाला जो कबर्ड है मतलब वार्डरोब है वो बच्चों के लिए बनाया है। तो वो बोल रहे थे गेस्ट रूम, बट मुझे लगा ये चिल्ड्रन रूम है, तो यहाँ पर वो भी है, मतलब क्या बोलते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल भी है वहाँ पे नीचे, थोड़ा सा रखने के लिए सामान वगैरह, तो वो दिखा रहा था। तो इस तरह से है, मैंने सारा ओपन करने के लिए बोला उसको, मतलब घर पे इतने सारे मेहमान आ रहे थे, बट नहीं, मैंने बोला उसको नहीं दिखाओ सारा कुछ, तो उसे पता है ये कैसी है, तो सारा कुछ दिखाने लग गया था। हाँ, तो यहाँ पर नीचे खाना चल रहा था, तो नीचे मतलब इनका जो ये है सेकंड फ्लोर पे है इनका फ्लैट, तो यहाँ पर नीचे से खाना चल रहा था, तो मैंने गैलरी से शूट कर लिया था वो। तो ये है गेस्ट रूम, और ये जो आप सोफ़ा देख रहे हो, सोफ़ा नहीं है वो, सोफ़ा कम बेड है, मतलब उसकी जो गद्दा है बोल रहे थे दूसरी साइड में रखा है, नहीं तो वो भी आपको ओपन करके दिखा देता। तो यहाँ पर सोफ़ा मतलब यहाँ पर पूजा रखी थी, मतलब वास्तु शांति की, तो इसी वजह से यहाँ पर सोफ़ा आ जाएगा, और उसके साइड में जहाँ पर अभी सोफ़ा रखा है वहाँ पर डाइनिंग आ जाएगा। तो इन्होंने ये जो गैलरी थी, मतलब बहुत बड़ी गैलरी थी, मतलब दोनों फ्लैट की,
तो इसको इन्होंने पैक करवाया है पूरा ग्लास वास लगा के। यहाँ से ना पूरा जो हाईवे है उसका लुक दिखता है। तो यहाँ पर ये बेसिन वगैरह रखा है क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग आने वाला है, और यहाँ पर इन्होंने तुलसी का वो रखा है, क्या बोलते हैं, तो तुलसी का पॉट रखा है। और यहाँ से जो है मतलब थोड़ा सा शेक हो रहा था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं शूट कर रही थी, और उसको ना मतलब गेस्ट भी अटेंड करने हो रहे थे, तो इस वजह से वो मुझे जल्दी जल्दी दिखा रहा था, और मैं शूट भी थोड़ा सा जल्दी कर रही थी, इसी वजह से कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा था। आई होप आप समझ जाओगे। और ये ना मंदिर की जगह पे मतलब किचन की जगह पे उन्होंने मंदिर किया है, मतलब दूसरे फ्लैट का जो किचन था और उसकी जगह पे इन्होंने मंदिर बनवाया है। और जो बालकनी है मतलब जो एरिया है वॉशिंग एरिया, वहाँ पर इन्होंने स्टोर रूम बनवाया है। और ये बीच का जो मतलब ये है वॉल तुड़वा के उन्होंने पूरा हॉल बड़ा सा बनवाया है। और ये जो है किचन आप देख सकते हो यहाँ पर, किचन थोड़ी सी छोटी लगी मुझे, मतलब जो अलग अलग फ्लैट थे तो उसके अकॉर्डिंग तो किचन बड़ी होंगी, बट अगर आप पूरा फ्लैट देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी किचन छोटी हो गई थी। बट उन्होंने दूसरी जगह पे दूसरी किचन में आप वो कर भी नहीं सकते थे कुछ भी। अभी ये वॉशिंग एरिया आप देख सकते हो, उसी टाइप का उन्होंने उधर मंदिर के साइड में स्टोर रूम बनवाया है। और ये है किचन, चिमनी वगैरह उन्होंने सारा कुछ लगवाया है। ये उस साइड में आपने देख लिया 2 बेडरूम थी, और अभी इस साइड में 2 बेडरूम है। तो उन्होंने एक मम्मी पापा के लिए रखी है ये वाली बेडरूम, सेम वार्डरोब वगैरह सेम है, मतलब जो मायका वगैरह है सारा सेम है। और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा से व्यू दिखता है नीचे का। और ये जो बेड है वो 2 बनवाया है इसमें, तो ये वाला वार्डरोब बनवाया है उनके लिए। तो इस तरह से वार्डरोब भी काफ़ी अच्छे लगे, मतलब मायका जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो ये वाला जो है वो मम्मी पापा के लिए बनवाया है बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ से आते हैं तो ये वाला उसके बड़े भैया भाभी का रूम है, तो ये जैसे उधर उसका रूम था और वो दूसरा गेस्ट रूम था, उसी टाइप का ये मम्मी पापा का रूम और भैया भाभी का रूम किया है। तो इस तरह से है, और यहाँ पर भी गैलरी है, अच्छी खासा व्यू दिखता है यहाँ से भी। और ये जो फ्लैट है ना थोड़ा सा हाईवे के पास है, तो इसी वजह से यहाँ से ना पूरा हाईवे का लुक दिखता है, मतलब आगे का, तो इसी वजह से। और ना आपको मैं टॉयलेट बाथरूम भी दिखा देती हूँ, सेम ही टॉयलेट बाथरूम सारी जगह की है, तो इसी वजह से मैंने एक दिखा दिया आपको। और यहाँ पर इस तरह से है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली गाइज इसका जो इंटीरियर है उन्होंने खुद से बनवाया, मतलब अलग से डिज़ाइनर रख के, तो इसी वजह से उनको काफ़ी अच्छे से मतलब वो अपने अपना भी सजेशन दे सकते थे उनको, तो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छे से बनवाया है। अगर आप जो ओनर है फ्लैट के उनसे लेते हो तो वो थोड़ा सा मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं वो भी हमें पता नहीं होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर आप उनसे लेते हो, और थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है क्योंकि हमें कॉस्ट नहीं पता होता है इसी वजह से। और ये वाला जो है वो लिविंग एरिया है, तो लिविंग रूम उनका है, और फ्रंट डोर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, एक्रेलिक का डोर बनवाया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब फ्रंट एंट्री ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे फिर नीचे, जब तक मैंने फ्लैट देखा तो अब तक ये ड्यूटी से ही नहीं आए थे, तो फिर बाद में ये ड्यूटी से आ गए थे इधर, इधर के इधर ही आए थे, फिर हम लोग खाना खाने लग गए थे। तो इस तरह से है फ्लैट का व्यू, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और उन दोनों की सोच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, दोनों भाइयों की, अगर वो चाहते थे तो एक ही अपार्टमेंट में 2 अलग अलग फ्लैट ले सकते थे, बट उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने भाइयों के बीच की दीवार तोड़वा दी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये ही उनका, क्योंकि होता है ना आजकल दोनों भाई एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं बट अलग अलग फ्लैट लेके, बट उन्होंने वैसा नहीं किया, फ्लैट में ही जो बीच की दीवार थी वो तुड़वा दी, मतलब बीच की भाइयों के बीच की दीवार तुड़वा दी उन्होंने, तो ये मुझे उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली अगले दिन हमारा जाना नहीं हुआ माही की तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, बट अगर आते तो आपको भी थोड़ा सा आपका भी एंजॉय हो जाता, मतलब हमारा जैसे होता वैसे ही आपका भी एंजॉय हो जाता, आपको भी देखने के लिए मिल जाता अगले दिन का, अगले दिन का भी प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था बोल रहे थे, मतलब डीजे वगैरह रखा था उन्होंने, क्योंकि इस दिन ना थोड़ा सा डांस वांस के लिए प्रॉब्लम होता है, मतलब इस दिन गेस्ट वगैरह अटेंड करने होते हैं, तो इसी वजह से 2 दिन का प्रोग्राम उन्होंने रखा था, बट हमारा जाना हुआ ही नहीं माही की तबीयत की वजह से, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, हमारा एंजॉय करने लगेंगे हम लोग तो फिर बच्चों को भी, लेकिन बच्चे अगर बाहर निकलते ना थोड़ा सा एंजॉय करने लगते हैं, बट वो होता है कि बाहर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा था, तो इसी वजह से हमने सोचा कि नहीं हम लोग बच्चों को नहीं लेके जाते हैं, और माही को हॉस्पिटल भी लेके गए थे, तो इसी वजह से हमारा जाना नहीं हुआ था अगले दिन, बट आज हमने एंजॉय किया और बच्चों ने भी एंजॉय किया।
घर आ गए हैं गाइस, और बहुत ज्यादा थक गए हैं एक्चुअली, काफी ज्यादा लेट हो गया है घर पे आने के लिए, 12 बज गया है। और हाँ, मम्मा 12 बज गए ना यार। अभी मैं होती हूँ फ्रेश, और मतलब निकलते निकलते ना इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।